तालापीपल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खोखरा कला में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें तालापीपल विधानसभा से विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। साथ ही विधायक चंद्रवंशी ने केंद्र की और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। चंद्रवंशी ने जानकारी देते हुए कहा, विकसित भारत यात्रा मोदी जी ने तो जनता के लिए काम किए हैं और ये यात्रा 40 दिनों तक चलेगी। यात्रा खोखरा कला पहुंची है। यात्रा का उद्देश्य है सरकार की योजनाओं के पात्र जो लोग हैं, वंचित हैं, उनको यात्रा के माध्यम से जोड़ना और उन सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी ने जो जनता के लिए काम किए हैं, एक तो वो कोई छूट नहीं जाए, इसको लेकर हमारी यात्रा ये 40 दिन की यात्रा विधानसभा के अंदर है और आज खोखरा कला गांव में है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। लाभ तो सभी को मिल गया है, लेकिन कोई छूट गया है किसी लाभ के लिए। किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, किसी को घर नहीं मिला है, किसी के यहाँ शौचालय नहीं बन पाया है। शौचालय की तो कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन जो मोटी मोटी गैस रसोई से लेकर, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ कि कोई भी एक भी व्यक्ति छूट नहीं जाए। कोई गरीब व्यक्ति के घर में अगर राशन नहीं पहुँच रहा है तो क्यों नहीं पहुँच रहा है, इसकी भी हम यहाँ पर बैठ के समीक्षा करवा रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी सब उपस्थित है, सभी डिपार्टमेंट के। बिजली से संबंधित कोई अगर वायर ख़राब है, इससे लेकर छोटी छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में देख रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने गारंटी ली है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका कच्चा घर है उसका पक्का बनाएंगे, जिसके घर में नल नहीं है उसको नल पहुँचाएंगे, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और वो अभाव में, पैसे के अभाव में अगर वो उसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो उसका आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बनाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कैंप लगाया है और प्रत्येक गाँव में हम जा के जनता के बीच में और उनका आशीर्वाद भी लेंगे और उनका काम भी कला पीपल से दिलीप माहेश्वरी की रिपोर्ट।